हेलो, गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज है आपका 5th अगस्त 2024। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो, हमारे जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि डोपामाइन, एंड्रेलिन और एंजाइम्स और नोराडेलिन, ये सब जो हैं इनके रिगार्डिंग ये कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर न्यूरो ट्रांसमीटर। इनमें से कितने हैं जो कह सकते हो कि न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो बताओ, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। तो देखो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओनली थ्री, यानी आपका केवल तीन सही है। कौन कौन से तीन सही है? तो डोपामाइन फर्स्ट, सेकेंड आपका एंड्रेलिन और नोराडिन, ठीक है, ये तीनों सही। इंजाइम्स आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल का आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताना है, ठीक है। तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है टू डिफाइन द पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। बी स्टेटमेंट है टू प्रोवाइड द स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सी कहता है आपका टू इंश्योर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। डी कहता है टू प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर है, टिक करो। तो इसका सही स्टेटमेंट है वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, टू प्रोवाइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। क्या कहता है ये आपका? तो देखो, ये कह क्या रहा है कि जो नो रिक्वायरमेंट इन सिंस 2019 एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन सीज टू एग्जिस्ट इन लद्दाख। कह रहा है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन। एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है कि वे लद्दाख में कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है 2019 के रिक्रूटमेंट के हिसाब से। और लद्दाखी कल्चर, जिसका ये कहा जा रहा है कि लद्दाखी कल्चर जो है वो बहुत काफ़ी थ्रेटन में है, ठीक है। और ऑप्शन बी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। इनमें से कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है मनरेगा के रिगार्डिंग, ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू वर्कर इन केस ऑफ ए डिमांड गेटिंग द अनएम्प्लॉयड इज नॉट मेट इन 15 डेज। सेकेंड कहता है द अलाउंस शैल बी 1/4 ऑफ द वेज रेट फॉर द फर्स्ट 30 डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा, दोनों का दोनों आपका सही है, ठीक है। क्या कहता है? तो देखो, कहता क्या है ये मनरेगा। मनरेगा आपको पता होगा कि आपका क्या है कि गोइंग अगेंस्ट द की ऑफ ए मनरेगा क्या है। मनरेगा क्या करता है, स्कीम जो है ओनली 19,000 वेयर रिलीज बाई द वेरियस स्टेट इन 2023 to 2024 एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज द इकोनॉमिक सर्वे 2024। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में दिया गया है कि जो स्टेट का बात कर लिया तो वहाँ केवल 90,000 रिलीज किया गया है वेरियस स्टेट में 2023 से 2024 के बीच में, ठीक है, जो कि इस बार पार्लियामेंट में रखा गया था, ठीक है। आपको पता होगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पार्लियामेंट बजट के पहले आती है, ठीक है। तो आपका कह रहा है बोथ स्टेटमेंट क्या आपका, दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, कि 15 डे पहले की बात करता है कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड अंडर द स्कीम हुआ है तो उसको क्या कहते हैं कि विद इन अ 15 डेज उसको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या होगा कि उनकी जो ऑफकोर्स जो उसकी जो सैलरी है वो 1/4 होगा, कम से कम 1/4 दिया जाएगा फर्स्ट 30 डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। देखो, कह रहा है कि पोलियो वायरस है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये पूछ रहा है। तो क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट पोलियो वायरस कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, केवल इनसाइड ह्यूमन सेल के बॉडी में होता है क्या। सेकंड कहता है पोलियो वायरस कैन नॉट स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको बताना है, 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ बताओ।
तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ओनली वन सही है, ठीक है, केवल एक सही है, ठीक है। दूसरा गलत है कि ये कह रहा है कि कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, पोलियो वायरस जो है आपका कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि अभी हाल ही में जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ ये देखने को मिला है कि वहाँ पोलियो वायरस डिटेक्ट किया गया है गाजा में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है मुरादाबाद की, एक सेकंड, क्या कह रहा है, मुरादाबाद की पहाड़ी की बात करती है, हम किसको रिकेट कर सकते हैं, किनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है मुरादाबाद की पहाड़ी को लेकर के, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ नेम्ड आफ्टर द प्रिंस मुराद बख्श सन ऑफ द एम्प्रेस शाहजहां। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट हाउसेस टू मॉस्क्यू दैट डेट बैक टू द पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी, ठीक है, ये दो मस्जिद की बात कर रहा है जो कि आपको मुगल डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द टॉम ऑफ द मुराद बख्श इज सिचुएटेड नियर द मॉस्को। मुराद बख्श का जो आपका कह सकते हो कि टॉम है उसका, जो कह सकते हो कि उसको जो डेथ करने के बाद, आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड राइट नाउ, जो डेथ करने के बाद उसकी जो समाधि टाइप बनाई जाती है, तो वो जो है आपका क्या कह सकते हो कि किसी मस्जिद के नज़दीक है। इनमें से तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो बताना है, तो 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ बता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इन्हें यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है, ऐसे सही नहीं है। तो देखो बात करते हैं मुरादाबाद की पहाड़ी जो लोकेटेड है आपका साउथ दिल्ली इन वसंत विहार, ठीक है, वसंत साउथ दिल्ली जो है आपका, वसंत विहार साउथ दिल्ली के जो वसंत विहार है वहाँ लोकेटेड, ठीक है। ये इसका जो नेम है इट नेम्ड आफ्टर द 14th सेंचुरी सेंट सर सैयद मुराद अली, ये 14th सेंचुरी के एक सेंट हुआ करते थे सैयद मुराद अली, उनके नाम पे रखा गया है, ना कि शाहजहां के बेटे के नाम पे, ठीक है। द टू स्ट्रक्चर इज इन द कॉम्प्लेक्स आर यूनिक एज दे डेट बैक टू डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, द तुगलक एंड लोधी वंश। तुगलक और लोधी वंश के टाइम की बात करता है इनके जो दो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं मुराद की पहाड़ी पे वो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उस बाद क्या कह रहा है कि इट इज़ नथिंग टू डू विद द सिटी ऑफ मुरादाबाद, इट नेम आफ्टर द प्रिंस मुराद बख्श एज अ सम ऑफ जहाँ, इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि ये सिटी ऑफ मुरादाबाद के नाम पे रखा गया, या कह सकते हो कि इसके शाहजहाँ के बेटे के नाम पे रखा गया, नहीं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज स्टीर्ड बाय द 5 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सेकंड कहता है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ द मेंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड मेंबर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजिम द हेडलाइन इन्फ्लेशन CPI इज टू बी मेंटेन बाई द 2 to 6%। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है आपको मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ आप लोग बताओ। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 and 3 स्टेटमेंट आपका सही है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है, तो देखो क्या कहता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इसका 6 मेंबर बॉडी होता है जो चेयर करता है RBI गवर्नर के द्वारा, ठीक है, RBI गवर्नर इनके चेयर होते हैं और 6 मेंबर की बॉडी होती है, ठीक है। उनमें से 6 मेंबर की बात कर ली जाए तो 3 जो होते हैं वो RBI से ही आते हैं और अदर 3 जो होते हैं वो नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और क्वारम रिक्वायर्ड फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 4 मेंबर, क्वारम जो है रिक्वायर्ड किया जाता है, तो उसमें क्या होता है 4 मेंबर को रखा गया, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करता है रेपो रेट जो देश में होता है उनका, उसका रेपो रेट डिसाइड करता है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो रेपो रेट है क्या, ठीक है। कहता है उसके बाद क्या कह रहा है, अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग द रिजिम RBI हैज टू मेंटेन द कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 2 to 6%। अब देखो कह रहा है कि मतलब कि इन्फ्लेशन को टारगेट कर रखते हुए, मतलब महंगाई को देखते हुए RBI क्या करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेंटेन करता है 2 to 6% के रेंज में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, लास्ट था, ठीक है। बाकी आप लोग का कितना स्कोर हुआ है प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते लिखते रहो, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।